हेलो क्लैशर्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लैशिंग ब्रदर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को जो अक्टूबर का हैलोवीन अपडेट ऑलरेडी आ चुका है उसका फुल रिव्यू मैं आज आप लोगों के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो चलिए ज़्यादा देरी ना करते वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया सो जल्दी से कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लैशर्स, आप सभी लोगों को पता है कि कल ऑलरेडी हेलोवीन का अपडेट आ चुका है, कल रात को 9:09 पे। सो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि मैंने अपडेट, मतलब जो अपडेट का टाइम था उस पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। सो अपडेट के बाद क्या क्या नया चीज़ें आए हैं वो उस पर गौर करते हैं। सो जो पहले अपडेट के बाद जो चीज़ आया है वो है आपका प्रोफाइल। सो अब मेरे प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि बहुत सा चेंज हुआ है। एंड यहाँ पर मैंने कुछ टैग लगाया है, यहाँ पर मैंने 3 टैग लगाया है कि एक्टिव डेली, मैं डेली एक्टिव रहता हूँ, एंड फार्मिंग एंड बिल्डर बेस। सो आप चाहे तो डिफरेंट 3 टाइप्स का लेवल यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर एक नया जो, मतलब जो चैलेंज है ये ऐड हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेल सीजन, मतलब अर्न 5000 पॉइंट इन सीजनल चैलेंज। सो इस पे आपको 50 जीएम्स एंड 20 एक्सपी मिलेगा। उसके साथ ही आपको, मतलब जैसे 1 स्टार, तो ये कंप्लीट करने के बाद आपको 1 स्टार कंप्लीट होगा। सो जैसे 2 स्टार एंड 3 स्टार कंप्लीट होगा, सो उस पे भी आपको एक्सपी एंड जो जेम्स है वो ज़्यादा मिलेगा। सो आपको ये जो चैलेंज है कैसे आप कंप्लीट करेंगे, इसके लिए आपको जो ये सीजन चैलेंज है इस पर जाकर आपको 5000 पॉइंट कलेक्ट करना होगा। जैसे आप कलेक्ट कर पाएंगे वैसे आपका जो ये जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर प्रोफाइल पे लास्ट में देखेंगे एकदम जो आपका होम विलेज है उसके लास्ट में। सो ये अपडेट के बाद ये नया चीज़ आया है। एंड सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेडर के पास एक एक्स्ट्रा, मतलब स्पेस आ चुका है ये आपके ट्रेजरी के लिए। सो अभी तक मेरे पे इस पर अटैक नहीं हुआ कल से। सो मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट है कि ऑब्स्टिकल हेलोविन का, सो यहाँ पर आ चुका है हेलोविन का ऑब्स्टिकल। सो मेरे बेस पर अभी एक ही आया है। सो देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर एक ही है ऑब्स्टिकल मेरे बेस पर अभी आया है। सो इसे मैं अभी रिमूव नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँगा कि इसे रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा। सो आप इसका जो कॉस्ट है वो देख सकते हैं, ये 25,000 है। एंड इसको रिमूव करने अगर आप करेंगे तो बहुत से यूट्यूबर बता रहे थे अपने जो चैनल का थंबनेल है उनमें दिखा रहे कि 200 जीएम्स या 50 जीएम्स आपको मिलेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, इसे रिमूव करने के बाद आपको 5 XP, मतलब ये जो XP है, सॉरी ये जो XP आपको, ये XP मिलेगा 5, एंड उसके साथ ही आपको 25,000 ही एलिक्सर मिलेगा। सो इसमें कुछ मतलब आपको कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस कुछ नहीं होगा, सेम चीज़ है, बस 5 XP आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते कि आपका जो भी ऑब्स्टिकल था, मतलब होम विलेज पर जो भी नॉर्मल ऑब्स्टिकल आता है उसका भी थोड़ा चेंज हो चुका है, हेलोविन टाइप हो चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। सो एंड उसके बाद वाला जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लैन गेम्स आने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, 5 डेज़ के बाद। एंड आपका जैसे प्रोफाइल चेंज है उसके साथ ही आपका जो क्लैन का प्रोफाइल है वो भी चेंज हो चुका है। एंड इसे आप यूज़ कैसे करें, जो फाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइन न्यू मेम्बर्स। सो फाइन न्यू मेम्बर्स आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस, मतलब मेनली किसके लिए आपको मेम्बर्स चाहिए। सो मैं यहाँ पर अभी क्लैन वॉर्स देखे सर्च पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा बहुत से बेसेस। तो ये सारे जो बेसेस अभी इन सभी पे लेवल नहीं लगा हुआ है, फिर भी अगर आप क्लैन वॉर लीग सर्च करेंगे तो आपको इन सारे बेसेस ही मिलेगा। सो उसके बाद जो बहुत से लोग बोल रहे थे कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्लोबल चैट है वो रिमूव हो चुका है, सिर्फ नॉर्मल आपका क्लैन चैट ही है। सो ये है जो नेक्स्ट अपडेट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ नया आया है वो है कि जो ग्लोबल चैट है वो परमानेंटली बैंड हो चुका है। एंड आप यहाँ पर अगर शॉप पे जाएंगे सो स्पेशल ऑफर्स यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपका अपडेट आया है उसके अपडेट को रिलेटेड यहाँ पर कुछ शॉप्स आए, यहाँ पर देख सकते कि अपडेट ऑफर्स लिखा हुआ है इसमें। सो अभी मैं ये सारी चीज़ परचेस नहीं करूँगा, बाद में सोचूंगा अगर परचेस करना है तो। सो यहाँ पर और कोई चीज़ें चेंज नहीं हुआ, बहुत से लोग बोल रहे थे कि डेकोरेशन के सेक्शन में चेंज होगा, सो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। एंड यहाँ पर सीजन चैलेंज में चेंज हुआ, एंड सीजन चैलेंज पहली बार जैसे मैंने क्लिक किया सो इस तरीके का इंटरफेस आया, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पर भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-2 रॉ थे, एंड यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं था कि 500 पॉइंट है या फिर 800 पॉइंट,
तो इस बार ये दिया गया है। एंड मेरा जो हीरो स्किन है स्केलेटन किंग का वो अनलॉक हो चुका है। सो चलिए इसे क्लेम करते हैं। एंड यहाँ पर हमें मिल चुका है स्केलेटन की स्किन। सो यहाँ पर मैं स्किन को चेंज कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। सो यहाँ पर अभी स्लीप नहीं, गार्ड पे कर देते हैं। सो अभी इसे स्लीप कर देते हैं। एंड यहाँ पर अगर प्रोफाइल पे आप जाएंगे सो यहाँ पर किंग में आप देख सकते हैं। अगर किंग पे आप क्लिक करेंगे सो स्केलेटन किंग की स्किन आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड उसके साथ ही अभी हम लोग जो इवेंट सेक्शन उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नया ट्रूप है वो आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको जो ट्रेनिंग सेक्शन है यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रॉयल गोस्ट आ चुका है सीजनल ट्रूप्स ओनली हेलोविन के लिए। सो ये तो मेरे पास अभी 6 लेवल का है क्योंकि मेरा अभी TH 11 है। सो यहाँ पर इवेंट सेक्शन में कुछ नए इवेंट्स भी आ चुके हैं। यहाँ पर हंटर हाइनेस पे आएंगे तो मतलब आपका जो नया सीजनल ट्रूप से इससे अगर आप 13 टाइम अगर बैटल विन करेंगे सो आपको यहाँ पर एक रिसर्च पोर्शन एंड 50 जेम्स एंड 500 कुछ XP मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर ये नई चीज़ है एंड 4-स्टार बोनस, मतलब आप अगर यहाँ पर अगर 5-स्टार करते हैं सो आपको जितना भी लूट बोनस मिलता है उसका मतलब 4 गुना और मिलेगा। एंड उसके साथ ही क्लैन गेम्स एंड CWL मतलब जो क्लैन वाली लीग है वो आने वाला है। क्लैन गेम्स में पहले ही मैंने बता दिया है कि 5 डेज एंड क्लैन वाली 15 डेज बाद आने वाला है। सो जो चीज़ मुझे सुपर सेल का ख़राब लगा वो है कि लोडिंग स्क्रीन चेंज नहीं हुआ, लेकिन लोडिंग स्क्रीन का जो म्यूज़िक था वो चेंज हो चुका है। सो आप ये म्यूज़िक भी सुनिए। सो यही था वो म्यूज़िक, जो म्यूज़िक था वो चेंज हो चुका है लेकिन जो लोडिंग स्क्रीन था वो चेंज नहीं हुआ। सो यही कुछ चीज़ें थी जो अपडेट के बाद चेंज हुई। यहाँ पर आपको मैं ट्रूप का एक गेम प्ले भी दिखा देता हूँ जो रॉयल गोस्ट है। सो यहाँ पर मैं रॉयल गोस्ट को, ये रहा रॉयल गोस्ट आप देख सकते हैं। सो पहले ये इनविजिबल रहता है फिर विजिबल हो जाएगा। सो आप देख पाएंगे। सो रॉयल को सच्चा मैं यहाँ पर एक और, लेकिन इसका जो मतलब जो ब्लड है ये बहुत ही कम है, लेकिन इसका जो डैमेज पावर है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो अभी गेम को कट कर देते हैं क्योंकि मैं आपको सिर्फ गेम प्ले दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। सो यहाँ पर जो मैंने रॉयल गोस्ट यूज़ किया उसे ट्रेन भी कर लेते हैं। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आर्मी भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले सिर्फ 3 और 1 प्रीवियस आर्मी थी, यहाँ पर अब 6 भी आ चुका है, मतलब 3 और ऐड हो चुका है। सो यही कुछ थी। एंड उसके साथ ही यहाँ पर सेटिंग्स पर अगर आप जाएंगे सो यहाँ पर एक और चेंज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्टर ये क्रिएटर। सो ये क्या है, ये है कि आप अगर इस पर एंटर कोड करेंगे सो यहाँ पर आप किसी भी यूट्यूबर को सपोर्ट कर पाएंगे, मतलब किसी भी मतलब सारे यूट्यूबर्स को आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो भी यूट्यूबर के पास डेवलपर सर्वर होगा, मेरे पास नहीं है लेकिन बहुत से यूट्यूब के पास डेवलपर सर्वर है, आप सिर्फ उन्हें ही सपोर्ट कर पाएंगे। सो अगर आप इस पर सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप यहाँ पर अगर शॉप पर जाएंगे या फिर अगर आप यहाँ पर जिम परचेस करेंगे सो इसका कुछ मतलब कुछ 10% या 20% जिसको आप सपोर्ट करेंगे उसके पास चला जाएगा। सो आप चाहे तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जो डेवलपर सर्वर है वो नहीं है। सो यही थी कोई अपडेट के बाद आने वाले कुछ रिलेटेड, मतलब अपडेट के बाद कुछ चेंजेस हुए, वो सारी चेंजेस मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या चेंजेस हुआ। सो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे नई नई वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।